वेलकम बैक टू स्टॉक मार्केट। आज हम बात करेंगे डेन नेटवर्क लिमिटेड के बारे में। कंपनी के क्वार्टर वन के रिजल्ट आ चुके हैं, तो चलिए चेक करते हैं जो रिजल्ट है वो प्रॉफिट में आया है या फिर लॉस में, और आगे चल के हमें शेयर प्राइस में क्या इंपैक्ट देखने मिलेगा। इस वीडियो में हम ये भी बात करने वाले हैं, तो वीडियो में तक बने रहिए और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे जो भी कंपनी की इनकम गिवन है या फिर कोई भी डेटा गिवन है वो मिलियन में गिवन है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो इस क्वार्टर में कितना इनकम आया है, 287 करोड़ का, 287 करोड़ का। पिछले क्वार्टर में कितना आया था, 329 करोड़ का, और एक साल पहले कितना आया था, 336 करोड़ का। तो यहाँ पर जो इनकम है कंपनी की वो कम हो चुकी है क्वार्टर क्वार्टर पे भी, ईयर ऑन ईयर पे भी। तो आप कह सकते हैं कि कंपनी की इनकम इस क्वार्टर में कम आई है, थोड़ा सा कंपनी ने निराश किया है। लेकिन अगर आप एक्सपेंस को देखते हैं तो कंपनी ने एक्सपेंस कम खर्च किया है, 274 करोड़ का एक्सपेंस खर्च किया इस क्वार्टर में। पिछले क्वार्टर में 281 करोड़ का खर्च किया था, और एक साल पहले देखेंगे तो 295 करोड़ का एक्सपेंस खर्च किया था। तो जो एक्सपेंस है वो भी कम हो चुका है क्वार्टर क्वार्टर पे भी, ईयर ऑन ईयर पे भी। लेकिन आप ये देखिए कि कंपनी ने ज्यादा इनकम जनरेट नहीं की है, कंपनी ने इनकम भी कम जनरेट की है पिछले क्वार्टर और पिछले साल की तुलना में भी, और एक्सपेंस भी आसपास है, बहुत ज्यादा यहाँ पे एक्सपेंस में डिफरेंस नहीं है। तो आप कह सकते हैं कि कंपनी जो रिजल्ट है वो उतने अच्छे नहीं आए होंगे, क्योंकि आपने यहाँ पे एक्सपेंस से भी अंदाजा लगा लिया होगा। तो इसीलिए अगर आप यहाँ पे देखेंगे 13 करोड़ का यहाँ पे मात्र प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखने को मिल रहा है। पिछले क्वार्टर में 50 करोड़ का प्रॉफिट बिफोर टैक्स था, और एक साल पहले 41 करोड़ का प्रॉफिट बिफोर टैक्स था। तो यहाँ पीबीटी जो है वो कम हो चुका है क्वार्टर क्वार्टर पे भी, ईयर ऑन ईयर पे भी, और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी हमें केवल 12 करोड़ का देखने को मिल रहा है, जो कि पिछले क्वार्टर में 48 करोड़ का था और एक साल पहले 40 करोड़ का था। तो कह सकते हैं कि कंपनी जो इस बार रिजल्ट आए हैं वो उतने अच्छे नहीं है, और शेयर प्राइस में हमें प्रेशर देखने को मिल सकता है। बात कर रहे हैं अर्निंग पर शेयर की, तो इस क्वार्टर में अर्निंग पर शेयर 27 पैसे का है। पिछले क्वार्टर में 1.05 रुपए का था, और एक साल पहले कितना था, 0.86 रुपए। तो जो अर्निंग पर शेयर है वो भी कम हो चुका है क्वार्टर क्वार्टर पे भी, ईयर ऑन ईयर पे भी। हम कह सकते हैं कि अगले ट्रेडिंग सेशन में स्टॉक में हमें थोड़ा सा प्रेशर देखने को मिल सकता है, थोड़ी सेलिंग भी आ सकती है, और जैसा कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ ये गैप डाउन ओपनिंग दिखा सकता है। आज के स्टॉक के चार्ट में जैसा कि हमने देख लिया रिजल्ट अच्छे नहीं है, तो यहाँ पे जरूरी सेलिंग प्रेशर आ सकता है। लेकिन इसका लेवल जान लेते हैं कि कहां तक ये गिर सकता है। तो देखिए एक इंपॉर्टेंट लेवल बन रहा है 27.20 रुपए, यहां तक मैक्सिमम स्टॉक में गिरावट हो सकती है। लेकिन मंडे को मुझे नहीं लग रहा है कि 27 तक चला जा सकता है। मंडे को हो सकता है कि ये स्टॉक जो है ये 30 रुपए तक चला जाए, और 27 रुपए तक एक्सपेक्टेड है कि आगे चल के 27 तक भी चला जाएगा। लेकिन 27 के बाद इसका नीचे आना मुश्किल है, क्योंकि ये है मेजर सपोर्ट। मेजर सपोर्ट एक ऐसा सपोर्ट होता है जब स्टॉक उससे नीचे जाता है, बहुत कम पॉसिबिलिटी उसकी होती है। सेल्स कंपनी की अच्छी नहीं आ रही, इनकम नहीं अच्छी आ रही है, तो अभी लॉन्ग टर्म के लिए कंपटीशन कंपनी मतलब लॉन्ग टर्म के लिए कंसीडर नहीं करना चाहिए इस टाइम पे, क्योंकि बहुत ज्यादा कॉम्पिटिशन है जिस फील्ड में कंपनी काम कर रही है। लेकिन हाँ, अगर मीडिया सेक्टर चलता है तो ये स्टॉक भी उस दिन अच्छी रैली दिखा सकता है। तो इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए ये अच्छा है, स्विंग ट्रेडिंग के लिए अच्छा है, क्योंकि कभी कभी इसमें रैली देखने को मिल जाती है। बट लॉन्ग टर्म के लिए कंसीडर करना चाहिए या नहीं, ये तो आपको पूरा फंडामेंटल देख के पता चलेगा, और फंडामेंटल की वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, यहाँ पे आपको वीडियो मिल जाएगी, यहाँ से आप वीडियो को वॉच कर लीजिएगा। तो आई होप ये एनालिसिस आपको अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, स्टॉक को बाय सेल करने से पहले अपनी एनालिसिस जरूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।